हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है दिनेश और आप देख रहे हैं कैरियर ग्लोज यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से निकाली गई जॉब अपडेट के बारे में। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इंटेलिजेंस ब्यूरो की तरफ से रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन निकाला गया है, जिसमें की ACI 2 टेक्निक यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है। इसमें जो वैकेंसी रहने वाली है उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, क्या एलिजिबिलिटी मांगी गई है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, उसके अलावा फॉर्म को अप्लाई कैसे करना है, सारा डिटेल में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक वॉच करें और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। और पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी ही लेटेस्ट जॉब अपडेट के लिए। डेली ऐसी ही लेटेस्ट जॉब अपडेट आपको प्रोवाइड की जाती है चैनल पर ऑफिशियल नोटिस के साथ में। तो बिना आपका टाइम वेस्ट किए करते हैं इस अपडेट को शुरू। तो फ्रेंड्स, बात करें यहाँ पे इनके ऑफिशियल नोटिस की, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये इंटेलिजेंस ब्यूरो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से निकाला गया ऑफिशियल नोटिस है, जिसमें कि आप यहाँ पे देख सकते हैं असिस्टेंट सेंटर इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड 2 की टेक की वैकेंसीज यहाँ पे निकाली गई है, जो की एग्जामिनेशन 2022 के लिए वैकेंसी रहने वाली है। एंड ये जो वैकेंसी रहेंगी वो आपके ब्रिलियंट एकेडमिक रिकॉर्ड एंड गेट, आपके गेट के स्कोर के बेसिस पे रहने वाली है, जो की आपका 2020, 2021 एंड 2022 जो मैं आपने क्वालिफाई किया है उसके बेसिस पे आपकी ये वैकेंसी ली जानी है। इसमें जो आप देख सकते हैं जो आपकी वैकेंसी रहेंगी असिस्टेंट सेंटर इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड 2 की, उसके अलावा कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 56 पोस्ट रहेंगी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में 94 पोस्ट यहाँ पे रहने वाली है। बात करें, आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर विजिट कर सकते हैं, सारा क्राइटेरिया आपको वहां पे भी मेंशन किया गया है। बाकी डिस्क्रिप्शन ऑफ पोस्ट की बात करें एंड बेनिफिट्स की, तो यहाँ पे जो क्लासिफिकेशन दी गई है वो आपकी जनरल सेंटर सर्विस में ग्रुप C की नॉन गेजेटेड पोस्ट एंड नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है। पे स्केल जो यहाँ पे रहेगा वो आपका लेवल 7 का रहेगा। इसमें आपको पे मैट्रिक्स जो दिया जा रहा है वो आपका 44,900 से लेकर 1,45,400 तक आपको दिया जाएगा। बाकी स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंसेस आपको 20% दिए जाएंगे बेसिक पे के, एंड उसके अलावा 30 डेज का आपको यहाँ पे जो वो कैश कम्पनसेशन भी दिया जाएगा, जो की आपकी हॉलीडेज रहती है वो भी आपको यहाँ पे दी जाएंगी। प्रोजेक्टेड वैकेंसीज की बात करें, कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आपकी जो रहेंगी 56 पोस्ट रहेंगी, अनरिजर्व के लिए 30, EWS के लिए 6, OVC के लिए 6 एंड 6 आपकी ST के लिए 8, आपकी SC के लिए रहने वाली हैं। इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन की बात करें, 50 वैकेंसी आपकी रहेंगी अनरिजर्व में, 9 आपकी EWS में, OVC में 9, 16 आपकी SC में, 10 आपकी ST में, टोटल 94 वैकेंसी रहने वाली है। टोटल वैकेंसीज की बात करें 150 वैकेंसीज आपको यहाँ पे दी गई है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो रहेगी वो आपका गेट का स्कोर रहेगा, वैलिड गेट स्कोर आपका यहाँ पे होना चाहिए 2021, 2020, 2022 का। इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन आपका रहेगा, गेट का कोड EC रहेगा, कंप्यूटर में एंड साइंस में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आपका गेट का जो कोड रहेगा CS रहेगा। बाकी जो क्वालिफिकेशन रखी गई है BE BTech आपकी होनी चाहिए रेलिवेंट फील्ड से, इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन से कर रखी है, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन से, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से, कंप्यूटर साइंस से, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग से अप्लाई कर सकते हैं। बाकी आपकी जो यहाँ पे मांगी गई है वो आपकी मास्टर डिग्री मांगी गई है साइंस में, आपने मास्टर डिग्री कर रखी है, अप्लाई कर सकते हैं। बाकी एज लिमिट जो आपकी रहेगी 18 से आपकी 27 रहने वाली है, जिसमें भी आपको यहाँ पे रिलैक्सेशन दी जाएगी वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, एज पर रूल आपको यहाँ पे जो रिलैक्सेशन दी जाएगी। बाकी उसके अलावा अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो यहाँ पे क्लोजिंग डेट रखी गई है वो 7/5/2022 रखी गई है। उसके अलावा जो आपका यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिए गए हैं, जो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन आपका रहेगा वो आप देख सकते हैं, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन जो आपका रहेगा यहाँ पे वो आपका गेट का स्कोर रहेगा 1000 यहाँ पे दिए गए हैं, जिसमें इंटरव्यू के मार्क्स आपके 175 रहेंगे, गेट के आपको 1000 मार्क्स दिए गए हैं, उसके बेसिस पे आपके मार्क्स यहाँ पे जो वो कैलकुलेट किए जाएंगे, जो भी आपके हायर मार्क्स रहे होंगे। बाकी आपका यहाँ पे इंटरव्यू लिया जाएगा, जो सिलेक्शन आपका प्रोसेस रहेगा, कैंडिडेट सिलेक्शन कैंडिडेट आपके जो रहेंगे उनको जो शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा एंड आपका गेट के स्कोर के बेसिस पे ही आपको शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा, इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा आपको दिल्ली में। एंड उसके अलावा बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे जो भी आपके टाइम एंड डेट है, रिन्यू है, जो भी आपको यहाँ पे मैंशन किया गया है वो आपका जो ईमेल एड्रेस पे आपको बता दिया जाएगा। उसके अलावा जो आपका यहाँ पे रहेगा वो आपका सिटी ऑफ इंटरव्यू जो रहेगी वो दिल्ली रहेगी। उसके अलावा बात करें फॉर्म को अप्लाई करने की, अप्लाई करने के लिए आपको ऑनलाइन मोड से अप्लाई करना पड़ेगा, इसका लिंक आपको जो वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। इसमें स्टार्टिंग डेट रहेगी 16/4/2022 एंड लास्ट डेट इसमें जो रहेगी वो 7/5/2022 यहाँ पे रहने वाली है। 7/5/2022 से पहले आपको फॉर्म को अप्लाई करना पड़ेगा। बाकी उसके अलावा अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पर आपको सारा मेंशन किया गया है, जो कि आप चेक कर सकते हैं। हेल्प डेस्क के लिए आपको यहाँ पे जो वो एक ईमेल भी प्रोवाइड की गई है।
यहाँ पे जो एग्जामिनेशन फीस रहेगी वो आपकी 100 रुपीज रहने वाली है, जो कि आपकी जनरल ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी कैटेगरीज के लिए रहेगी। बाकी अदर कैटेगरीज के लिए यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं दी गई है। जो एप्लीकेशन फीस रहेगी ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मोड से आप दोनों तरीकों से जो वो आप अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म जो एप्लीकेशन फीस जो वो सबमिट कर सकते हैं। बाकी क्लोजिंग डेट आपको मैंने बता दी है 7/5/2022 रहने वाली है। बाकी जनरल इंस्ट्रक्शंस आपको सारी यहाँ पे मेंशन की गई हैं। जो भी एलिजिबल कैंडिडेट हैं वो सारा इसका ऑफिशियल नोटिस डिटेल में पढ़ सकते हैं। जो जो मेन चीजें थी वो मैं सारी आपके साथ में यहाँ पे डिस्कस कर दी हैं। बाकी का कुछ भी आपको पूछना हो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। एंड आज की वीडियो अगर आपको इंपॉर्टेंट लगी हो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, और पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही लेटेस्ट जॉब अपडेट के लिए। डेली ऐसी ही लेटेस्ट जॉब अपडेट आपको प्रोवाइड की जाती है इस चैनल पर ऑफिशियल नोटिस के साथ में। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।